यहाँ सामने बुरा खड़ोता है, इसका घर है। पानी कुदने मार करना गड्डी नहीं फिर दोबारा दी गड्डी दिता उसे रोक लाई जी गड्डी जिसले दीवार दी ना नाला बनवाया है ना उस वे तीन फुट जिन्हें बैड दिता थले थले तीन फुट कटी है तो फुट हाँ पच्ची फुट है जल पानी का प्रेशर आया ना जितने बजे उतना कर लगे पानी हमने टूर किया कासिम नगर में हम इस समय खड़े हैं लेकिन राजीव नगर में हम खड़े हैं लेकिन हमने देखा कि बारिश ने काफ़ी तबाही फिरी हुई है। पांच सात घर जो हैं उनको काफ़ी डैमेज किया हुआ है। एक तो परशुराम जी का है, मंडीत जी का है, अनबर जी का है और गोपाल शर्मा जी का जो घर है। मैं सरकार से आगाह करूँगा कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को RCC द्वारे देकर इसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इसका कोई नुकसान आगे ना हो। लेकिन हमें पता चला कि राजीव नगर में जो नाला शुरू किया गया है ये ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन है, लेकिन हम सरकार से ये आगाह करेंगे कि यहाँ से इसका प्रोजेक्ट का शुरुआत करनी थी उन्होंने वहाँ पर नहीं की है, हमें ये पता चला। लेकिन हम भी ये चीज़ बरामद करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से बनाया है इन्होंने, कहाँ से शुरू किया है। अगर गलत किया होगा तो हम जहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे और सरकार को ये बता देंगे कि काम करने के तौर तरीके हैं जो उनको बदलने पड़ेंगे इंजीनियरों को। लेकिन लोगों की शिकायत है कि कई लोगों की वजह से, कोई ऐसे लोग थे इन्फ्लुएंस लोग थे उनकी वजह से प्रोजेक्ट जो है निजी से शुरू किया गया है। लेकिन मैं फिर भी UD डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहूँगा कि अगर प्रोजेक्ट जो जहाँ से बनाया है इन्होंने इसको दोबारा जहाँ से शुरू करें, अदरवाइज लोग बहुत परेशान हैं, कोई ऐसा काम ना जो कर डालें जिसकी वजह से प्रशासन को थोड़ा नुकसान हो। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ, इन्हीं लोगों से यही अपील करूँगा एक दिन हमारे साथ चले UD डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हम प्रोजेक्ट निकालेंगे, पूरी लाइनमेंट देखेंगे कहाँ से करना था कहाँ से नहीं, इनको भी पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने गलती की है या ना की है। इसी के साथ मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। जय हिंद, जय भारत।